आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। हम आज भगवान के 13वें अवतार श्री हरि अवतार की कथा को श्रवण करेंगे, यानी श्री भक्त माल की जो कथा है, भक्तमाल में जो वर्णन है उसको, यानी भक्तमाल के अनुसार भगवान के श्री हरि अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जय मुदीरये, ततो जय मुदीरये। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री भक्तमाली जी श्री नाबाजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय भक्तजनों, आज हम भगवान के श्री हरि अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान का यह अवतार अपने, यानी अपने आर्त, आर्त का मतलब होता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दुखी जो हो जाता है उसको कहते हैं आर्त। जैसे कौरवों की सभा में माता द्रौपदी ने आर्त भाव से प्रभु को पुकारा था, श्री कृष्ण भगवान को पुकारा था, ऐसे ही यहाँ पर गजेंद्र, आप सब जानते ही हैं गजेंद्र की कथा को, गजेंद्र ने भी बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारा था। एक समय की बात है कि गजेंद्र जो दूसरे जन्म में हाथी बने, गजेंद्र यानी हाथी, एक बार ये सरोवर में पानी पीने के लिए गए थे। उस सरोवर में एक ग्राह रहता था, ग्राह यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ को ग्राह कहते हैं। तो ग्राह ने इनका पैर पकड़ लिया बड़े जोर से और ये बड़े दुखी हो गए। जब इनका कोई बस नहीं चला तब इन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान आए और भगवान ने इनको उस दुख से छुटकारा दिला दिया। अब कथा इस प्रकार से है, जो गजेंद्र यानी जो हाथी थे, पहले जन्म में ये इंद्रदुम्न नाम के एक बड़े अच्छे राजा थे, भगवान के परम भक्त थे, प्रजा वत्सल थे, प्रजा की अच्छी प्रकार देखभाल करते थे, सब तरफ से चारों तरफ से खुशहाल ही खुशहाल था। परंतु एक बार इनके वहाँ अगस्त ऋषि, महर्षि अगस्त जी गए। अब ये इतने प्रसन्न थे अपने राज्य को देखकर, प्रजा चारों तरफ से खुश है, चारों तरफ से इनकी बड़ी बड़ाई हो रही है, मंत्री आदि सब इनका अच्छे प्रकार से स्वागत सत्कार करते हैं, सब इनकी बड़ी महिमा गाते हैं। तो ये बड़े मगन होकर के अपने राज्य आसन पर विराजमान थे। जैसे ही अगस्त ऋषि पहुँचे तो इनको पता ही नहीं चला अगस्त ऋषि आ गए करके, ये अपने सिंहासन से उठकर इन्होंने उनको प्रणाम, जल्दी से उठकर प्रणाम नहीं किया। तो अगस्त ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया, उन्होंने कहा अरे दुष्ट राजन, दुष्ट राजा, तू हाथी के जैसे बैठा हुआ है, तुझे मेरे आने का भान तक नहीं हुआ, तूने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना आलसी राजा को नहीं होना चाहिए, इसलिए तू गजेंद्र यानी हाथी बन जा। ये श्राप दे दिया और ये गजेंद्र बन गए, यानी कि हाथी बन गए।
और एक त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर्वत पर ये जाकर रहने लगे। वहाँ इनके बहुत सारी पत्नियाँ हो गई, बहुत सारे बच्चे हो गए, अब वही इनका निवास स्थान बन गया। अब एक समय की बात है, देवल नाम के एक ऋषि एक नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। उसी नदी में स्नान करने के लिए हुहु नाम के एक गंधर्व भी गए हुए थे। जब ऋषि वहां पर स्नान कर रहे थे तो उन्होंने अपनी चपलता यानी कि शरारती, कई लोग शरारती होते हैं ना, मजाक कहते हमने तो मजाक किया, ऐसे ही इन्होंने देवल ऋषि के साथ एक ऐसी शरारत की, उनका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के उनको लगा, वो तो बड़े घबरा गए, अरे मेरा पैर कहीं मगरमच्छ यानी मगरमच्छ जानते हो ना, ग्राह ने न पकड़ लिया हो, बड़े घबराए। और ये हुहु नाम के जो गंधर्व थे इन्होंने उनका पैर कई देर तक छोड़ा ही नहीं, वे बड़े व्याकुल हो गए। जब उनको धीरे धीरे जब उनको थोड़ा चेतना सी आई, अरे ये तो कोई ग्रह का मुंह नहीं लगता, ये तो कोई मनुष्य के जैसे हाथ लगते हैं, तब इनको देवल ऋषि को थोड़ा धैर्य हुआ और इन्होंने अच्छी प्रकार से देखा तो क्या था कि वो हुहु नाम का कोई गंधर्व था, उसने इनके पैर पकड़ रखे थे। अब उनको बड़ा क्रोध आ गया, वो क्रोध से कांपने लगे, उन्होंने इनको श्राप दे दिया, अरे मूर्ख गंधर्व, तूने इतना बड़ा मेरे साथ इस प्रकार का तूने व्यवहार किया, एक मनुष्य हो करके उसमें से भी एक गंधर्व ज्ञानी होने के बाद भी तूने मगरमच्छ का जैसा कार्य किया, वो भी अनजान, मैं तो अनजान था, स्नान कर रहा था, मेरे को कोई मालूम ही नहीं था, तूने मेरे को इतना कष्ट पहुंचाया, इसलिए तू अब मगरमच्छ ही बन जा। अब ये मगरमच्छ बन गए वो नाम के गंधर्व, ये जल में जाकर निवास करने लगे। इन्होंने पूछा कि मेरा अब उद्धार कैसे होगा, तो इन्होंने बोला कि भगवान के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसे ही जब उन राजा ने पूछा था तब उनको भी भगवान ने कहा, इंद्रदुम्न नाम के राजा ने जब अगस्त्य मुनि से पूछा था, हे प्रभु अब मेरे से जो गलती हो गई सो तो हो गई, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे उद्धार का कारण बताइए, तो उनको भी बोला श्री प्रभु ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब एक समय गर्मी का समय था, गजेंद्र का उद्धार का समय भी आ चुका था। वह एक सरोवर में, सरोवर जानते हो ना, बड़ा सा तालाब होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसको कहते हैं सरोवर। उस सरोवर में स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए ये अपने परिवार के साथ पहुंच गए। वहाँ इन्होंने खूब पानी पिया, स्नान किया, अपने बच्चों के ऊपर अपनी सूंड से, पत्नियों के ऊपर अपनी सूंड से पानी डाला, खूब मस्ती कर रहे हैं वहाँ पानी में, विहार कर रहे हैं अपने बच्चों और पत्नियों के साथ। तो कुछ समय बाद ग्राह ने यानी मगरमच्छ ने गजराज का यानी हाथी का पैर पकड़ लिया। पहले तो इनको लगा मैं तो बड़ा शक्तिशाली हूँ, होगा कोई कीड़ा वीड़ा इसी पानी का, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कुछ ध्यान नहीं दिया। जब ग्राह की पकड़ यानी मगरमच्छ की पकड़ ज्यादा होने लगी तब ये छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगे, नहीं छूटा। फिर इन्होंने और कोशिश की, नहीं छूटा। फिर इन्होंने गजराज ने बड़ी गंभीरता से उस बात पर विचार किया और पूरे ताकत लगा करके अपने पैर को झटकने लगे, परंतु वो पैर नहीं छूटा। खूब दोनों में खूब होने लगी, दोनों में अब युद्ध होने लग गया। युद्ध ऐसा हुआ
कि ग्रह इनको जल के अंदर नीचे को खींचे, ये जल से बाहर निकलने की कोशिश करे। ग्रह नीचे को खींचे, ये जल से बाहर आने की कोशिश करे। पहले तो इन्होंने बताया नहीं किसी को, अपने परिवार वालों को। जब ये हार गए, इनको लगा कि अब मेरी शक्ति क्षीण हो चली है, अब मेरे बस का नहीं है, यानी कि मैं अब इस ग्रह से नहीं छूट सकता। तब इन्होंने अपनी पत्नियों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, सबने सूण में सूण डालकर इनको खींचने का बहुत प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दी। वे भी हार गए, उनकी शक्ति भी कुछ काम नहीं आई, क्योंकि ये तो श्रापित थे, कैसे काम आती। जब कुछ समय बाद ये नहीं छूटे ग्रह के मुख से, ग्रह इनको नीचे नीचे लेता ही चला गया। अब इनको बड़ा कष्ट हो गया, सब हथनियाँ, इनके बच्चे भाई जो भी थे वो सब, इनका परिवार इनको छोड़ करके चले गए। वो भूखे प्यासे कहने लगे, अब तो ये बचने से रहे, हम इनके साथ रहकर क्या करेंगे, हम इनके संग क्यों दुख भोगें, अपने अपने स्थान को जाएं, खाएं पिएं मौज करें। भक्तजनों, सभी की यही गति है, हम सब तुम लोग की जो गति है ना, वो इस गजेंद्र की जैसी है, हम तुम ही गजेंद्र हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जब हमको हमारे माता पिता दुख के समय, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब हमारी रक्षा करेंगे, यहाँ तक कि माता जो द्रौपदी हैं वो सोचती हैं कि मेरे पति मुझे बचाएंगे, फिर सभा में इतने बड़े बड़े लोग हैं ये बचाएंगे, फिर वो सोचती मैं भी क्षत्राणी हैं, कुछ कम नहीं हूँ। तब उन्होंने देखा कि सब शक्ति जीरो, कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने भगवान को पुकारा। फिर जब गजेंद्र के साथ भी यहाँ पर यही हुआ, गजेंद्र ने फिर एक कमल पुष्प को उठाया हाथ में, फिर भगवान को पुकारने लगी, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गज और ग्राह लड़े जलबी तर, गज और ग्राह लड़े जलबी तर, लड़त गज हारायण, ओ लड़त गज हारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारायण, हो तब हरि नाम उचारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन, गरुड़ छोड़ पग धारायण, हो गरुड़ छोड़ पग धारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो, चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काट्यो, गज के फंद छुड़ायायण,
वो गज के फंद छुड़ायण भज नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तब जब एक न चली गजराज की, तब उसने भगवान का सुमरण किया। भगवान गरुड़ को छोड़ करके तुरंत वहां पर आ गए गजराज के पास उस सरोवर में, और एक ही प्रहार से उन्होंने ग्राह यानी मगरमच्छ का सिर धड़ से गोविंदाय नमो नमः कर दिया और गजराज का फंद छुड़ा दिया और उसको अपना पार्षद बनाकर भगवान गजेंद्र यानी उसको अपने साथ दिव्य रूप उसका हो गया। उसमें से भगवान की कृपा से गजेंद्र का गजेंद्र हाथी वाला रूप छूट गया, अब वो दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। फिर भगवान उसको अपने पास ले गए और उसको अपना पार्षद बना दिया। अब ये जो गजेंद्र ने जो स्तुति गाई है भागवत श्रीमद भागवत पुराण में, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन है। वह गजेंद्र स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। इसका पाठ करने से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, यानी कि मनुष्यों का जो भी उसको पढ़ेगा उसका मंगल ही मंगल होगा, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो वो दूर हो जाएगा। वह बड़ा मंगलकारी है, वह स्तुति बड़ी मंगल करने वाली है। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण है तेरे आदि, है तेरे आदि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दर्णं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शांति 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 ॐ।